हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोस्टन ग्रुप में। आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखें और साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 5। तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5 है। वो कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये है 5 स्थायी सदस्य और इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और टोटल होते हैं स्थायी ये सदस्य 15। 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, तो कई बार टोटल पूछा जाता है तो होते हैं 15 सदस्य, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है यगदत्त शर्मा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राखलदास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है। कौन है? मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला ऑप्शन है 1962 में, नेक्स्ट ऑप्शन है 1966 में, सी ऑप्शन है 1978 में, डी ऑप्शन है 1987 में। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 3 बार। पहला लगा है 26 अक्टूबर को 1962 में, 1962 में। दूसरा लगा है 3 दिसंबर 1971 में, और तीसरी बार लगा है 25 जून 1975 में। तो आज तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो 25 जून 1975 को लगा था, जो कि आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। तो नेक्स्ट हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर था 1962 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये हमने पहले ही शो कर दिया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 12 अनुसूचियां हैं। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, पंचजगत अवधारणा किसने दी थी। ये पंचजगत अवधारणा किसने दी थी, पंचजगत अवधारणा दी थी, ऑप्शन है इसमें ग्रेगर जोहान मेंडल ने, आर एच वेटेकर ने और कैरोलस लिनियस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, आर एच वेटेकर ने दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, नेक्स्ट ऑप्शन है पीसी महालनोबिस है, नेक्स्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं। तो आपका राइट आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। कौन है? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सातवें क्वेश्चन के बारे में। सातवां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो मध्यकालीन शासक था, ऑप्शन ए है आपका इल्तुतमिस, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप अपना राइट आंसर अपने मन में सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिस। तो कौन है? इल्तुतमिस।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस, आठवां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था किसे दिया गया था? सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर को, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर को, ऑप्शन सी है देविका रानी रोनिक को, ऑप्शन डी है दिलीप कुमार को। तो सर्वप्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1969 में सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देविका रानी रोनिक को दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1969 में देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो आपके ऑप्शन हैं अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका और बीटा कोशिका। तो आप अपना राइट आंसर सोचिए। तो इसमें क्या पूछा गया है? कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, किससे होता है, किस कोशिका से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीटा कोशिका से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं बेसबॉल, सांड युद्ध, ऑप्शन तीन है तीरंदाजी यानी आर्चरी, और नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा यानी आर्चरी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन की, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? यानी पूरे साल में जो दिन और रात बराबर होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, भूमध्य रेखा से और कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किसके स्थान पर ये स्थापित किया गया था, ये संगठन बनाया गया था? ये बनाया गया था, आपके ऑप्शन हैं UNCTAD, और नेक्स्ट ऑप्शन है GATT, और थर्ड ऑप्शन है UNIDO, ऑप्शन डी है OECD। तो ये किसके स्थान पर बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, GATT के स्थान पर WTO बनाया गया था। कब बनाया गया था WTO? 1995 को बनाया गया था। और GATT की फुल फॉर्म क्या है? GATT की फुल फॉर्म क्या है? ये क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये कब स्थापना की थी इसकी? गैट की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कब की थी इसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसके स्थान पर क्या बना दिया गया है? WTO बना दिया गया है। कब बनाया गया है? इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की थी 1995 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी गैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है देवगढ़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है भोपाल। तो दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 14 क्या है? लोटस टेम्पल कहाँ के वास्तुकार कौन है? यानी लॉर्ड्स टेम्पल के वास्तुकार कौन से हैं? इसके ऑप्शन हैं ली कार्बुजियर, एडवर्ड लुटियस, ऑप्शन सी है फरीबर्ज सहबा और ऑप्शन डी है इनमें से नहीं। तो लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार हैं ऑप्शन सी फरीबर्ज सहबा। कौन है? फरीबर्ज सहबा इसके वास्तुकार हैं। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके लास्ट क्वेश्चन है भाटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? भाटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका राइट आंसर क्या है? भाटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? भाटियाली लोकगीत गाया जाता है आपके पश्चिम बंगाल राज्य में।
पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आज की इस वीडियो में हमने हरियाणा जीके व सेंट्रल जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम यह पूरी आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसी प्रकार हरियाणा से जुड़ी जानकारी व अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल रोशन ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।